नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर के नंदनवन में वृद्ध महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने का पुलिस का दावा, नाती ने ही की नानी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नागपुर में दहेज के लिए बहू की हत्या का प्रयास, 4 महीने पहले हुई थी शादी। हुड़केश्वर पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ दर्ज किया मामला। और नए नियमों के खिलाफ नाग विदर्भ चेंबर की नाराजगी। और अब खबरें विस्तार से। 3 दिन पहले नंदनवन परिसर में वृद्ध महिला की हत्या कर दी गई थी। यह घटना पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई थी। खुद पुलिस आयुक्त इस घटना की पड़ताल पर नजर रखे हुए थे। आखिरकार नंदनवन पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश करने का दावा किया है। पुलिस ने वृद्ध मृतक महिला देवकी जीवनदास बोबड़े के नाती मितेश संजय पंचभाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मितेश मृतक महिला देवकी बोबड़े की बेटी का ही पुत्र है। वह पढ़ाई के लिए अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी जाना चाहता था और उसने वहां एडमिशन भी ले लिया था, परंतु पढ़ाई के लिए करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। उसके माता पिता ने 40 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया था, लेकिन बाकी 60 लाख रुपए के लिए वह लोन लेने वाला था। हालांकि इतने बड़े लोन के लिए गारंटी के तौर पर FD लग रही थी, इसलिए उसने नानी देवकी से बात भी की थी। बताया गया कि थोड़ी नानुकर के बाद देवकी अपनी FD देने के लिए मान भी गई थी। देवकी थोड़ा सख्त मिजाज की महिला थी और अक्सर गलत कामों के लिए टोकती रहती थी, इसलिए मितेश की अपनी ही नानी के साथ नहीं पटती थी। पुलिस को उसके मोबाइल फोन में उसकी महिला मित्र के साथ की हुई चैट बरामद हुई है। घटना वाले दिन मितेश की मां ने सुबह 10 बजे घर की टंकी में पानी नहीं होने के चलते उसे नीचे जाकर पानी की मोटर शुरू करने के लिए भेजा था। तब मितेश लोअर पर ही बिना शर्ट पहने नीचे आ गया था। उसे ऐसा देखकर देवकी ने उसे डांट दी। इस बात पर गुस्से में आकर मितेश ने देवकी को जोर से धक्का दे दिया और अंदर से टेप पट्टी और चाकू ले आया। उसने पहले देवकी के हाथ बांधे और उसके बाद मुंह पर पट्टी चिपकाकर बड़ी ही निर्ममता से चाकू से उनकी हत्या कर दी। एक जो सीनियर सिटीजन महिला का मर्डर कुछ दिन पहले हुआ था, उसको पुलिस ने डिटेक्ट किया है। उसमें एक फैमिली मेम्बर को ही पुलिस ने कल रात अरेस्ट किया है और एविडेंस काफ़ी कुछ मिला है और अभी तपास प्राथमिक स्टेज पे है। आज एक्यूज्ड को हम कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले रिमांड के लिए आगे तपास शुरू है। हुड़केश्वर पुलिस थाने के अंतर्गत लाड़ीकर लेआउट में दहेज के तौर पर बहू से मायके से 5 लाख रुपए लाने की मांग की गई। परिजनों ने मांग पूरी नहीं करने पर उसका गला घोटने का प्रयास किया गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने सास और ससुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अपने ससुराल में रह रही रोशनी ने बताया कि यह उसका और उसके पति महेश का दूसरा विवाह है। परिवार वालों ने पूरी रीति रिवाजों से 3 अगस्त 2021 को शादी करवाई थी, लेकिन शादी की पहली रात उसे पता चला कि महेश शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ है। शादी से पहले यह बात न बताने को लेकर रोशनी अपने पति और ससुराल वालों से नाराज थी। रोशनी ने पुलिस को बताया कि नाराजगी जताने पर महेश ने उसे 10 दिनों में इलाज करवाने का वादा किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। ऐसे में रोशनी ने यह बात अपने भाई और भाभी को बताई, जहां से यह महेश के बहनोई तक पहुंच गई। इससे रोशनी के ससुराल वाले नाराज हो गए और घर की बदनामी का आरोप लगाते हुए उसे परेशान करने लगे। इस बीच 27 नवंबर की रात को उसे गला घोटने का प्रयास किया गया। पुलिस से पति महेश प्रकाश गुरमुले, ससुर प्रकाश गणपतराव गुरमुले और सास लीला प्रकाश गुरमुले के खिलाफ दहेज कानून समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा फिर व्यापारियों पर मास्क की बंदिश का विरोध करते हुए व्यापारियों की संगठन NVCC ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। NVCC के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया ने कहा है कि नियमों के मुताबिक दुकान में अगर ग्राहक हो या दुकानदार इनमें से कोई भी मास्क नहीं पहने तो केवल दुकानदार पर 10,000 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई होगी, जो सरासर गलत है। सरकार ने सरकारी कार्यालय में भी जाकर निरीक्षण करना चाहिए कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।
कोरोना के समय व्यापारियों ने काफी त्रासदी झेली है और नियमों का पालन भी किया है और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा अश्विन मेहड़िया कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन प्रकाश मेहड़िया, अध्यक्ष नागमित्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स नागपुर। दोस्तों ये वीडियो मैं 30 नवंबर 2021 को बना रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे भारत सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है, सेम ऑर्डर कलेक्टर मैडम और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने भी दिया है, जिसमें कहा गया है किसी भी दुकान में अगर कोई व्यक्ति बगैर मास्क लगाए या बगैर कोविड नियमों का पालन करते हुए पाया गया तो उस दुकानदार को हाँ ध्यान से सुनिए, उस दुकानदार को 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, चाहे ग्राहक भी। ये एकदम सरासर गलत है। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के हमारा ऑब्जेक्शन भेजा है और इस पर पुनर्विचार करने को कहा गया है। दोस्तों ये जो बीमारी है ये आदमी से आदमी में फैलती है, तो ऐसा नहीं कि ग्राहक या दुकानदार से ही फैलेंगी, ये सरकारी दफ्तरों से भी फैलेगी, वहाँ पर भी जो बगैर मास्क के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है जो कि हम सब देख रहे हैं, ये वहाँ से भी फैलेंगी। तो ये नियम वहाँ पर भी लागू होना चाहिए। जैसे यहाँ दुकानदार जवाबदार है 10,000 रुपये भरने के लिए, तो वहाँ कौन जवाबदार रहेगा, इसका भी खुलासा होना चाहिए। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो हमारे लड़ने नेता भी है और मैं जानता हूँ कि वो व्यापारियों के हित में है और वो इस पर पुनः विचार करके अपना निर्णय देंगे। और साथ ही साथ मैं नागपुर की जनता से भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने आप को वैक्सीन लगाइए और कोविड नियमों का पालन करिए। सरकार की चिंता भी जायज़ है अपनी जगह, क्योंकि हमने सेकेंड वेव में देखा है, हमने हमारे अपनों को, कईयों ने नजीक के अपनों को खोया है जिसे हम जिंदगी भर भुला नहीं सकते। तो हमें सरकार का साथ देना है। पहले भी सर दो वेव में व्यापारियों ने सरकार का, शासन प्रशासन का साथ दिया था। आने वाले समय में भी अगर परिस्थिति कभी भगवान ना करे खराब हो तो हम आपके साथ देंगे, लेकिन ये जो नियम आपने लाए हैं, व्यापारियों की हालत खराब है, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अगर पेनल्टी लगेंगी इस पे से इंस्पेक्टर राज बढ़ता है, आपको सब पता है। धन्यवाद। हंसते खेलते संसार में शक ने घर बना लिया। गुस्सेल पति ने अपने ही घर में पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना 21 मार्च 2018 की है। इस मामले में जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई। रामकृष्ण लक्ष्मण डहारे, कटरे हाउसिंग सोसाइटी, टाकलघाट हिंगना निवासी आरोपी का नाम है। कोई संबंध और रिश्ते यह केवल विश्वास पर ही टिके रहते हैं। प्रेम और विवाह भी केवल एक दूसरे के विश्वास पर ही कायम रहते हैं। लेकिन जब इन रिश्तों में शक अपनी जगह बना लेता है तो संबंधों में दूरियां निर्माण होकर सुखी संसार पर एक झटके में टूट जाते हैं। कभी कभी तो संदेह की वजह से मामला काफी गंभीर मोड़ ले लेता है। ऐसे ही एक मामला MIDC बोरी पुलिस स्टेशन अंतर्गत 2018 में सामने आया था। आरोपी और उसकी पत्नी मृतक वृणाली में पहले सब कुछ ठीक था, संसार की गाड़ी ठीक ढंग से चल सके, इसके लिए वृणाली ने टाकलघाट के कानोली 12 मार्ग के एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बाद में रामकृष्ण के मन में शक ने घर कर लिया। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ पत्नी के अनैतिक संबंध होने का शक उसके दिलो दिमाग में घर कर गया। इसके बाद को लेकर आए दिन दोनों में विवाद होने लगे। एक दिन गुस्से में आकर रामकृष्ण ने अपने ही घर में वृणाली की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी MIDC पुलिस को मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया गया। घटना के 8 दिनों बाद रामकृष्ण ने ही अपनी पत्नी की हत्या करने की बात पुलिस जांच में स्पष्ट होने से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन उपविभागीय पुलिस अधिकारी VN मराठे ने यह मामला न्याय प्रविष्ट किया। पूरे 3 वर्षों तक मामला चलने के बाद आरोपी को जिला व सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका सुबह के प्राइम टाइम में फिर से स्वागत है। साइबर ठगी की हर दिन की घटनाएं हो रही है। बैंकों द्वारा समय समय पर जानकारी देने के बाद भी लोग सतर्क नहीं हो रहे हैं। ठगों के झांसे में आकर अपने जीवन की मोटी कमाई गंवा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला सदर थाना अंतर्गत सामने आया है। साइबर अपराधियों ने एक महिला के मोबाइल फोन पर सिम कार्ड के KYC अपडेट करने का झांसा देकर खाते से 2,99,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जीवोधरा एजुकेशन सोसाइटी रेसिडेंसी रोड SFS कॉम्प्लेक्स निवासी ज्योति मार्थो के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति का मैसेज आया। इसमें उसने जोशी के BSNL की सिम के KYC अपडेट करने के लिए कहा। इसके लिए आरोपी ने एक ऐप डाउनलोड करने को कहा। जैसे ही जोशी ने ऐप डाउनलोड कर अपने बैंक खाते से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उसमें फीड की, वैसे ही उनके खाते से 2,99,997 रुपए निकाल लिए गए। अपने साथ धोखाधड़ी का पता चलते ही जोशी ने सदर पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। गढ़चिरौली जिले के जंगल में जंगली सुअर का शिकार करने के लिए कुछ शिकारियों ने जाल बिछाया था, परंतु इस जाल में एक बाघ फंस गया। यह घटना मंगलवार को दोपहर में कुलखेड़ा तहसील मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर मालेवाड़ा के पास कातलवाड़ा गांव के जंगल में सामने आई है। इस घटना से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि गढ़चिरौली जिले में वन्य प्राणियों का शिकार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। शिकारियों ने जंगल में जाल बिछाया था, लेकिन उसमें कोई सुअर नहीं बल्कि जंगल का राजा बाघ ही फंस गया। मामला प्रकाश में आते ही वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बाघ को जाल से मुक्त करने के लिए नागजीरा और ताड़ोबा व्याघ्र प्रकल्प के शार्प शूटर को बुलाया। इस घटना से परिसर में जंगली सुअर का शिकार करने का मामला उजागर हो गया है। सुअर की अवैध बिक्री से इनकार नहीं किया जा सकता। देसाईगंज वन विभाग के उपवन संरक्षक धर्मवीर साल विठल, सहायक वन रक्षक मनोज चौहान ने घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। वन अधिकारियों ने बताया कि बाघ को जाल से मुक्त करने के लिए उसे पहले बेहोश करना जरूरी है। उसे बेहोश करने के लिए नागजीरा और ताड़ोबा के शार्प शूटर को बुलाया गया। उनके पहुंचने के बाद रात में बाघ को बेहोश कर मुक्त किया गया। पिछले 15 दिन पूर्व चंद्रपुर जिले में हुई बारिश के कारण किसानों के खेतों में धान का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इसी बीच जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कृषि मंत्री दादाजी भुसे के साथ सिंदेवाही, सावली, मूल, पोंभुर्णा तहसील में अतिवृष्टि के कारण हुई नष्ट फसल का जायजा लिया है। कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने कहा कि किसानों के साथ सरकार मजबूती से खड़ी है, किसानों का हित ही सर्वोच्च है। कुछ दिनों पूर्व चंद्रपुर जिले में बारिश के कारण फसलों का काफी नुकसान हुआ। चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने जिले के सिंदेवाही सावली मूल तहसील के 8 से 10 गांव में अतिवृष्टि से नुकसान हुए फसल का निरीक्षण किया। पालक मंत्री ने कहा कि गत 15 दिनों पूर्व सावली, सिंदेवाही, पोंभुर्णा एवं मूल आदि क्षेत्र में अतिवृष्टि से दुष्परिस्थिति होने के कारण संपूर्ण धान फसल नष्ट हुई है। किसानों को संभलने का मौका नहीं मिला। किसानों का संकट काफी बड़ा है। इस संदर्भ में मंत्रिमंडल में विषय रखकर कृषि मंत्री को नुकसान प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए विनती की। उन्होंने हामी भरी और जिले का दौरा किया है। किसानों का संपूर्ण बजट चरमरा गया है। पालक मंत्री होने के नाते और कृषि मंत्री किसानों को अधिक से अधिक मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। खरीफ फसल तो हाथ से निकल गई। रबी मौसम में किसानों को दिलासा देने के लिए ज्वारी, चना अल्पदर में उपलब्ध करके दें। आगामी 3 से 4 दिनों में अल्पदरों में बीजों का वितरण करने के निर्देश जिला प्रशासन और कृषि विभाग को दिए गए हैं। धान खरीदी की समयावधि फरवरी महीने के अंत तक बढ़ाने की मांग उन्होंने कृषि मंत्री से की। जंगली सुअर फसलों को नष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें मारने की अनुमति दी जाए, ऐसा सुझाव दिया है। मुख्यतः खेती पर आश्रित भारत में खेती क्षेत्र का समुचित विकास हो, इस उद्देश्य से सरकार की तरफ से अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इसी के तहत किसानों को खेती में बिजली उपलब्ध हो,
इसके लिए महाराष्ट्र में एक किसान एक डीपी योजना लाई गई। कई किसानों के खेतों में बिजली उपलब्ध नहीं होने से सिंचाई के लिए उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार ने हर एक जरूरतमंद किसानों को इस योजना का तुरंत लाभ मिले, इसलिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए, लेकिन रामटेक तहसील में इस योजना का बंटाधर होते दिखाई दे रहा है। अधिकारियों की उदासीनता से ये महत्वाकांक्षी योजनाएं कागजों पर ही सिमटी हुई है। स्वयं ऊर्जा मंत्री ने योजना का लाभ किसानों को शीघ्रता से मिले इसलिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए थे, लेकिन महावितरण कंपनी के कुछ अधिकारी और ठेकेदारों ने जानबूझकर इस योजना की तरफ अनदेखी की। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान महावितरण कार्यालय के चक्कर लगाते दिखाई दे रहे हैं। इस योजना के तहत रामटेक तहसील में कई किसानों ने आवेदन भी किए हैं। तहसील के देवलापार पौनी आदिवासी बहुल क्षेत्र के किसान इस योजना के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। मार्च 2018 से पहले के 100 से अधिक कनेक्शन अभी भी बाकी है। सन 2018 के बाद डीपी लगाने वाले ठेकेदार का ठेका लंबित है। ऊर्जा मंत्री नागपुर के रहने के बाद भी नागपुर जिले के रामटेक तहसील में किसान पिछले 3 सालों से एक डीपी एक किसान योजना से वंचित है। इस बात के लिए किसान आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। योजना के संदर्भ में उदासीन अधिकारियों पर उचित कार्रवाई कर किसानों को इस योजना का शीघ्र ही लाभ मिले, ऐसी मांग क्षेत्र के किसान कर रहे हैं। महंगाई के कारण सभी वस्तुओं की कीमत आसमान छू रही है, जिसमें से एक शादी के कार्ड भी है। डीजल पेट्रोल सहित खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि देखी जा रही है। यही कारण है कि अधिकांश लोग विवाह का निमंत्रण व्हाट्सएप के माध्यम से दे रहे हैं, जिसमें खर्च नियंत्रण में हो रहा है। कार्ड महंगे होने से अनेक लोगों ने कार्ड छपवाना बंद कर दिया है, जिसके कारण शहर के अनेक प्रिंटिंग व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से सभी वस्तुओं पर असर पड़ा है। पैकेजिंग मटेरियल पर भी 1.5 से 2 गुना तक दाम बढ़े हैं। इसके चलते पढ़ाई लिखाई करना भी मुश्किल होने लगी है। शादी के लिए कार्ड खरीदने ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर महंगाई अब हर तरफ से ग्राहकों की जेब में घुस रहा है। हार्डवेयर में प्रयोग किए जाने वाले क्राफ्ट पेपर के डिब्बे, कार्टन व अन्य पैकेजिंग के उत्पाद महंगे हो गए हैं। मिठाई के डिब्बों की भी कीमत बढ़ गई है। पेपर की कीमतों में हुई भारी वृद्धि के चलते ऑफिस स्टेशनरी पर 30 से 35% तक दाम बढ़े हैं। शादी के कार्ड, उपहार में प्रयोग किए जाने वाले फैंसी लिफाफे की कीमत 20 से 30% तक बढ़ गई है। पेपर मिलों में पेपर की कमी चल रही है। प्रिंटिंग के रेट भी 10 से 15% तक वृद्धि हुई है। निमंत्रण पत्र 30% तक महंगे हुए हैं। 100 निमंत्रण कार्ड अब 260 रुपए में मिलते हैं, जिनकी पहले कीमत 220 रुपए थी। जिन कार्डों की पहले कीमत 5 रुपए प्रति कार्ड थी, वह अब 6.5 रुपए प्रति कार्ड है। 10 रुपए में मिलने वाले कार्ड की कीमत अब 13 रुपए हो गई है। 20 रुपए में मिलने वाला कार्ड अब 25 रुपए में मिल रहा है। 2 रुपए वाले फैंसी लिफाफे की कीमत अब 3 रुपए हो गई है। पहले ऑफसेट में शादी कार्ड की प्रिंटिंग के लिए 400 रुपए सैकड़ा के हिसाब से खर्च करना पड़ता था, वही अब ग्राहकों को 600 से 650 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। डिजिटल प्रिंटिंग भी पहले 250 रुपए सैकड़ा में हो जाती थी, अब इसके लिए 350 से 400 रुपए का भुगतान करना पड़ रहा है। पेपर के भाव में 75% तक बढ़त देखी जा रही है। कुछ पेपरों में 30 तो कुछ में 40% तक दाम बढ़ गए हैं। राइटिंग और प्रिंटिंग पेपरों की कीमतों में 10% की तेजी आ चुकी है। सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।